हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर शुभम कुमार जैन, मॉडर्न होम्योपैथी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि मैं हर बार महिलाओं से रिलेटिव बीमारियों को लेकर आपके सामने पेश होता हूं, आज भी मैं उन्हीं से रिलेटिव एक बीमारी को लेकर आपके सामने आया हूं, जो है पॉलीमेनोरिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पॉलीमेनोरिया की। तो आज हम बात करते हैं पॉलीमेनोरिया। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि पॉलीमेनोरिया से पहले जानने के पहले हमें नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है उसके बारे में पता करेंगे हम। तो सबसे पहले जानेंगे हम कि जो नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है या जो नॉर्मल मेंसेस होता है वो फीमेल्स का कैसे होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो मेंसेस का पीरियड होता है वो एक महीने का होता है, मतलब 28 दिन इसमें माना गया है मेडिकल टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि ये 25 से 35 दिन भी लिया जाता है। अगर हम देखते हैं नॉर्मल रूटीन में देखते हैं तो इसको 25 से 35 दिन के लिए लिया गया है, लेकिन अगर हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं तो इसको 28 दिन का पीरियड माना जाता है। तो दोस्तों, मैं करता हूं पॉलीमेनोरिया की बात। तो पॉलीमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है, एक मेंसेस की ही डिस्टर्बेंस की कंडीशन है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो नॉर्मल पीरियड होता है फीमेल्स का, मेंसेस का, 28 दिन का होता है, लेकिन इस कंडीशन में 15 से 21 दिन का वो पीरियड हो जाता है। मतलब जो इसका ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन कम हो जाता है। तो इस कंडीशन को हम पॉलीमेनोरिया बोलते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इसी की एक कंडीशन और होती है, उसको हम बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर जो 28 दिन का टाइम पीरियड होता है या 28 दिन का ड्यूरेशन होता है मेंसेस का, वो 45 दिन तक पहुंच जाता है। यानी कि एक महीने में जो मेंसेस आते हैं वो 1.5 से 2 महीने में अगर आ रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ओलिगोमेनोरिया, और अगर एक महीने में जो मेंसेस आते हैं उसका एक महीने में 2 बार आ जाना, उस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीमेनोरिया। अब हम बात करते हैं इसके कुछ कॉज की। तो कॉज की हम बात करते हैं तो दोस्तों, सबसे पहले इसमें अगर कॉज देखा गया है तो वो है हार्मोनल कॉज। हार्मोनल कॉज मतलब इसमें ये होता है कि मेनली जो ओवरी या यूट्रस पे जो एक्ट करने वाले हार्मोन होते हैं, जैसे कि FSH और LH। FSH मतलब फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH मतलब न्यूट्रलाइजिंग हार्मोन, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जो एक्ट करते हैं हमारे ओवरी या यूट्रस पे, तो ये जो ओव्यूलेशंस या फिर जो यूट्रस में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं उनको ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ हम बात करेंगे दोस्तों कि इसमें अगर ये हाइपर एक्टिविटी कंडीशंस हो जाए, मतलब जैसे कि FSH और LH में अगर ये कहीं ना कहीं हाइपर एक्टिव हो जाएं, उस कंडीशन में हमें पॉलीमेनोरिया देखने मिल सकता है। अब हम बात करेंगे दूसरे कॉज की, तो वो है कुछ स्ट्रेस। सबसे इसमें मेनली कॉज देखा गया है स्ट्रेस जो होता है, ये फीमेल्स में कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा नुकसानदायक है, और इस कंडीशंस में पॉलीमेनोरिया कंडीशन हमें देखने मिल सकती है। साथ ही हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर इसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन, मतलब कि वजाइना या फिर यूट्रस में किसी भी प्रकार का अगर इन्फेक्शन देखने मिल रहा है हमें, उस कंडीशन में भी हमें पॉलीमेनोरिया देखने मिल सकता है। हाँ दोस्तों, और इसके साथ साथ और भी कुछ ऐसे कॉज पाए गए, जैसे कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर किसी लेडी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, जैसे कि गोनोरियल इन्फेक्शन वगैरह जो होता है, अगर इस टाइप की कंडीशंस उसमें देखने मिल रही है, तब भी हमको पॉलीमेनोरिया की कंडीशन देखने मिल सकती है। दोस्तों, ये थे कुछ इसके कॉज। अब हम बात करते हैं इसके कुछ सिम्टम्स की। तो सिम्टम्स दोस्तों, इसमें मेनली देखा गया है तो उसका जो ड्यूरेशन होता है वो ड्यूरेशन को मेनली हमने सिम्टम्स माना है। ड्यूरेशन से आप क्या समझिए कि जो मैंने बताया आपको कि एक महीने में जो 28 दिन का टाइम पीरियड होता है वो ना होके 15 से 21 दिन के अंदर अंदर अगर मेंसेस आ जाए, मतलब कि अगर एक महीने में किसी लेडी के 2 बार मेंसेस अगर अपियर हो गए हैं, तो इस कंडीशन को हम पॉलीमेनोरिया बोलते हैं, और ये उसका मेनली सिम्टम्स दिया गया है। साथ ही बात करते हैं दोस्तों, क्या होता है कि इस कंडीशन में कभी कभी जो मेंसेस जो होते हैं वो स्कैंटी भी हो सकते हैं, एक्सेसिव भी हो सकते हैं। स्कैंटी से मतलब कम मात्रा में भी आ सकते हैं, और एक्सेसिव मतलब अधिक मात्रा में आ सकते हैं। ये इसका कोई ऐसा मैटर नहीं है, क्योंकि ये कंडीशन हमको मेनोरेजिया और मेटोरेजिया में देखने मिलती है, लेकिन इसमें हम मेनली देखेंगे तो ड्यूरेशन। साथ ही साथ दोस्तों, क्या देखना है कि अगर उसका एक्सेसिव हो रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट जो रहेगा वो हाइपोवोलेमिक कंडीशन में जाएगा, और हाइपोवोलेमिक कंडीशन में जाने के कारण उसको पूरे बॉडी में नंबनेस और मेनली लेग्स में नंबनेस देखने मिलेगी। अब हम बात करते हैं और कुछ सिम्टम्स में, तो जैसे कि आपको बताया नंबनेस रहेगी, साथ ही साथ इसमें कुछ मेंटली अगर देखा जाए तो डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस रहेगी, और भी बात करें तो फटेगनेस रहेगा, वीकनेस रहेगी। तो ये कुछ इसके सिम्टम्स थे दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपके पास ये सब सिम्टम्स लेके पेशेंट आ रहा है तो क्या आप उसको बोल सकते हैं कि पॉलीमेनोरिया है? तो दोस्तों, हम नहीं कह सकते कि उसको पॉलीमेनोरिया है। सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेंगे। तो हिस्ट्री में क्या लेना है कि उसकी जो साइक्लिकल
मतलब जो चल रहा है, मतलब जो उसके मैसेज जो है वो रेगुलर आ रहे हैं अथवा इरेगुलर आ रहे हैं, तो ये अपन को रिकॉर्ड लेना है उसका। अगर वो बता रहे हैं कि हाँ मेरे डिस्टर्बेंस हो रहा है, ऐसे वैसे हो रहे हैं, तब एक कंडीशन बन सकती है पॉलीमिनोरिया की। अभी भी आप कंफर्मेशन नहीं कह सकते कि पॉलीमिनोरिया, तो उसके लिए आपको एक और डायग्नोसिस करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं यूएससी, मतलब आपको उसको सोनोग्राफी कराना होगा। और सोनोग्राफी जब आप कराएंगे तो आप कंफर्मेशन पा सकते हैं कि हाँ इसको पॉलीमिनोरिया की कंडीशन थी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि अगर लेडी आती है और वो लेडी बहुत ही ज्यादा चेंजेबल मूड की है, या बहुत ही ज्यादा कोई भी अगर मतलब बता रही है, कोई भी बीमारी बता रही है, कोई भी बात बता रही है, तो रो रो के बता रही है, या उसमें कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो बहुत ही ज्यादा मतलब रो देती है, तो इस कंडीशंस में हम पल्सेटीरा 30 को यूज करेंगे। और इस पल्सेटीरा 30 को हमें दो दो बूंद दिन में दो बार देना है, टंग डोज। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके साथ कुछ और मेडिसिन की। तो जैसे कि हमने बात की है लेकेसिस, लेकेसिस 30 का भी इसमें बहुत ही अच्छा यूज हुआ है। ये कब देना है, जब कोई लेडी 35 से 40 साल की उम्र में है और उसको ये कंडीशन अगर देखने मिल रही है, तब हम लेकेसिस 30 का यूज करेंगे। इसको भी हमें सेम वैसे ही देना है, दो दो बूंद दिन में दो बार, टंग डोज देना है इसके लिए। दोस्तों इसके साथ हम एक और मेडिसिन की बात करेंगे, इग्नेशिया 30, जो कि बहुत ही बेहतरीन फीमेल रेमेडी है। इस इग्नेशिया 30 इसको हम तब देंगे जब कोई लेडी अपने पास आ रही है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल है, या वो बता रही है कि मुझे इस चीज की टेंशन रहती है, इस चीज की टेंशन रहती है, इस कारण से मुझे बहुत सारी तकलीफें होती हैं, ऐसा वैसा, मतलब जो अपने एक्सप्रेशंस बता रही है, जो अपनी तकलीफ को बता रही है और खुद बोल रहे हैं वो मुझे बहुत स्ट्रेस है, इस कंडीशन में हम इग्नेशिया 30 का यूज करेंगे। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन कारगर मेडिसिन है, इसको भी हम दिन में दो बार दो दो बूंद टंग डोज देंगे। दोस्तों साथ ही साथ ये सब तो थी कुछ मेडिसिन, अब कुछ बात करते हैं कुछ अदर्स मेडिसिन की, अदर सायरप वगैरह जो हम इसमें यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एक बहुत ही बेहतरीन सायरप है यूट्रोफाइन। यूट्रोफाइन सायरप एक बहुत ही कारगर सायरप है, जो कि आपके मासिक धर्म से रिलेटिव किसी भी प्रकार की बीमारी या अनियमितताएं या किसी भी तरीके से अगर आपके मेंसेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो उस कंडीशन में आप यूट्रोफाइन सायरप दे सकते हैं। इसको हमें 10-10 ml दिन में दो बार लेना है, और देखिएगा दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको। और जहां तक मेरा कहना है, मैंने जहां तक अभी तक दिया है, तो इसका रिजल्ट अभी तक बहुत अच्छा आया है। आप भी इसको यूज करके देखिए और जरूर बताइएगा कैसा इसका आपको प्रभाव पड़ा अथवा नहीं पड़ा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आपको इन दवाइयों से फायदा मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर किसी कारणवश आपको फायदा नहीं मिलता है तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, साथ ही साथ किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट कीजिएगा। ये आप मेडिसिन यूज करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। और इन सब बातों को लेकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।